कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड. देखिए मून कार्ड ने तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की, लेकिन मून कार्ड को हम यूज भी करते हैं, रेमेडी के तौर पे भी करेंगे, मेडिटेशन के लिए भी यूज करेंगे टू एनहांस आवर इंट्यूटिव पावर्स. अब अगर हम बात करते हैं सन कार्ड की, तो सन कार्ड में आप देखेंगे कि चमकता हुआ सूरज ऊपर आसमान में दिख रहा है, एक बच्चा बैठा है एक घोड़े पे, एंड सो देयर इज अ क्लॉक फ्लाइंग. यहाँ पे सनफ्लावर्स आपको दिख रहे हैं सारे खिले हुए, और पीछे एक दीवार है. ये क्लोक क्योंकि लाल रंग का है, और लाल रंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहां जहां आएगा दिस विल सिग्निफाई विक्ट्री. बच्चे का अगर आप चेहरा देखेंगे तो बच्चा काफी खुश है, एक इनोसेंट हंसी है, एंड देन द सनफ्लावर्स जस्ट ब्लूमिंग, इट गिव्स अ क्वाइट पॉजिटिव वाइब. तो सन कार्ड जहां आता है वहां हम विक्ट्री को प्रिडिक्ट करते हैं. फिर फूल की कहानी से जानते हैं. अब फूल की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है सुबह हो गई है, वो रेस्टलेस नाइट अब गुजर गई, और वो जो रिवर थी जो ऐसा लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगी, खत्म हो गई है. उसको एक सीरीन पूल के साइड ले आई है, तो वहां से वो किनारे पे उतरता है और वो देखता है कि सनराइज हो रहा है, ब्राइट गोल्डन, पूरा ऊपर आसमान क्लियर है. एक चाइल्ड, एक बच्चे की हंसी उसका अटेंशन अपनी ओर खींच लेती है, और वो देखता है कि ये जो छोटा बच्चा है ये एक छोटे से सफेद पोनी पे सवार होके गार्डन में आ रहा है, और वो बच्चा बोलता है कम. Leaping the horse and running to him, he sings and plays with the fool. तो घोड़े को दौड़ाता हुआ और उसकी ओर भागता हुआ वो खेलता रहता है, गाता रहता है. तो फूल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो बच्चा मुस्कुराता है और ऐसा लगता है कि वो शाइन कर रहा है, फिर धीरे धीरे ब्राइट होता जाता है और वो सनलाइट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन ही हियर्स द वॉइस, आई एम यू, द न्यू यू. द फूल रियलाइजेस कि जो सन है ऊपर अबव द चाइल्ड, ये सब कुछ उसी के अंदर है. तो एक तरीके से फूल अब किससे मिला, अपने खुद के इनर लाइट से मिला. इसमें पूरे कार्ड्स में जो मेजर आर्काना के हैं, आप स्टेप वाइज जैसे देखेंगे जीवन का हर पहलू, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, बहुत तरीके से डिफाइंड है. किस जगह पे आके हम किस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो भी इसमें मेंशनड है. Keywords associated with this card. Keywords are success, optimism, happiness, self-expression and creativity, romance, pleasure, sports and games. तो ये तो keywords हैं, सारे positive keywords हैं. Basic tarot symbol में आप देखेंगे जो सन का फेस है वो हैप्पीनेस को डिनोट करता है, सक्सेस को, प्रॉमिसेस को, रेड फ्लैग विक्ट्री को, वॉल सपोर्ट को डिनोट करती है. और ये चीज आप याद रखेंगे, जहां जहां आप बैकग्राउंड में वॉल या कोई ऐसे बिल्डिंग देखेंगे जो सॉलिड फाउंडेशन की है, तो आप उसे हमेशा एसोसिएट करेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से. सन आपको वाइटलिटी देता है, जॉय देता है, एनर्जी देता है. इनफैक्ट अगर डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो ऐसा इंसान अपने आप को लेथार्जिक और वीक महसूस करता है. और यही अगर हम अर्ली मॉर्निंग सनलाइट का आनंद ले लें, तो उसके बाद हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं.
then it is a time of contentment where you are likely to be at peace with yourself, क्योंकि वो अपने अंदर की रोशनी से मिल गया, उसको पहचान गया. ग्रोथ इज सीन. हॉर्स का मतलब है पांच सेंसेस और बॉल सपोर्ट को दर्शाता है. हैप्पीनेस और वाइटलिटी आपकी लाइफ में एंटर करने को है अगर ये कार्ड रीडिंग में आता है तो. और कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ओवरऑल लाइफ अच्छी दिखती है इस कार्ड को अगर हम रीड करें तो. सन समर को भी सिग्निफाई करता है. सनी क्लाइमेट होता है जहां पे लोग हॉलीडेज भी प्लान करते हैं. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर यही कार्ड आता है और आपकी जो क्वेरी है दैट्स रिलेटेड टू योर वर्क, then it is that you are loving your work, you are enjoying your work. If it is related to relationship, so the guidance is relax and enjoy yourself. You deserve love. Finance se related hai, to luck tags your heel. Matlab, aapko luck support karega and you're going to gain finances. हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ काफी पॉजिटिव दिखती है. अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो भी आप देखिए कि पेसिमिज्म को डिले कर देता है. हाँ, ये है कि कुछ डाउट्स आ जाते हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है. और कई बारी ये हो सकता है कि चिंता का विषय आपके क्वेरेंट के लिए हो सकता है बच्चा हो, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आता है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है. नाउ व्हाट वुड बी द गाइडलाइंस इन दैट केस? गाइडलाइंस होंगी कि जस्ट गो विद द फ्लो. मैजिकल एसोसिएशन में कलर एसोसिएटेड इज गोल्ड, सूर्य का कलर. हर्ब इज सेंट जॉन्स वॉर्ट. ऑयल ऑरेंज ऑयल. जेमस्टोन में एम्बर. और प्लैनेट एसोसिएटेड है मून. अब आप देखेंगे सन कार्ड है लेकिन सी द प्लैनेट एसोसिएटेड इज मून.